नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। एक कुख्यात गैंगस्टर जिसने संगीन वारदातों को अंजाम देकर कई राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं शातिर अपराधी काला जथेड़ी की, जो कि अब तक पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहा था और पकड़ से बचा हुआ था। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाती, इस बार किस्मत दगा दे गई और ये दिल्ली पुलिस के चंगुल में फंस गया। पुलिस ने कैसे किया इसकी चालों का पर्दाफाश और पहुंचाया इसे सलाखों के पीछे, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। नाम संदीप उर्फ काला जथेड़ी, जुर्म रॉबरी, डकैती, जबरन उगाही, शराब तस्करी, जमीन कब्जाना। मोस्ट वांटेड दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। इनाम 6 लाख रुपए। स्क्रीन पर घूमती इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। जी हां, लंबे समय से फरार कुख्यात अपराधी संदीप उर्फ काला जथेड़ी अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। इसे पकड़ने के लिए की गई दिल्ली पुलिस की कोशिशों की बदौलत यह सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। ये ही नहीं, बल्कि इसके काले कारनामों में इसकी साथी रही अनुराधा उर्फ रिवॉल्वर रानी भी जेल की हवा खा रही है। काला जथेड़ी पर दिल्ली में 15 जबकि अन्य राज्यों में 25 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़े ऑपरेशन में वांटेड क्रिमिनल संदीप एलियस काला जथेड़ी और उसकी सहयोगिनी अनदर वांटेड क्रिमिनल अनुराधा, जिसको राजस्थान में लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस काफी समय से इसके पीछे लगी हुई थी। पुलिस को इसके गोवा में छिपे होने की सूचना मिली थी। जब इसकी गहराई से तहकीकात की गई तो काला जथेड़ी की तलाश पुलिस को गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड तक ले गई। आखिरकार पुलिस को एक महत्वपूर्ण फुटेज हाथ लगी, जिसमें काला जथेड़ी सिख वेशभूषा में अनुराधा के साथ दिखाई दिया। इससे पुलिस का यकीन पक्का हो गया कि उसकी खोज बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ये एक महत्वपूर्ण कामयाबी इसलिए मानी जाती है क्योंकि पिछले लगभग 1.25 साल से दिल्ली एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और हरियाणा, इन 4-5 प्रदेशों में इस गैंग ने काफ़ी आतंक मचा रखा था। इसके ऊपर 6 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड घोषित है। जो उसकी साथी पकड़ी गई है अनुराधा, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस से रिवॉर्ड घोषित है। ये ऑपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ऑपरेशन था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। काला जथेड़ी को पकड़ने के लिए चलाए गए ऑपरेशन को पुलिस ने कोड नाम दिया था OD24। इसका मतलब था कि अपराधी पुलिस की पकड़ से सिर्फ 24 घंटे आगे भाग रहा था। जैसे जैसे पुलिस उसके नजदीक पहुंच रही थी, वैसे वैसे इस कोड के समय को भी D20, D16 और D12 नाम दिया जा रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार स्पेशल सेल की टीम ने काला जथेड़ी और अनुराधा को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से इनकी पसंदीदा पिस्टल भी बरामद कर ली। वहीं अनुराधा भी .38 रिवॉल्वर के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ी। हमारी लगभग 30 ऑफिसर एंड मैन पिछले 15 दिन से लगातार रोड्स पे थे, सड़कों पे थे और 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा पीछा किया गया है। जो पीछा किया गया है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम किसी घोस्ट का पीछा कर रहे थे, भूत का पीछा कर रहे थे, तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि जब तक ये पकड़ा नहीं गया है, जब इसको हम लोगों ने सहारनपुर के पास, सहारनपुर और यमुनानगर हाईवे जो है, उस हाईवे पर एक ढाबा है उसके पास से पकड़ा, तो जब तक ये पकड़ा नहीं गया था तब तक इसका कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफायर
जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि इसका मोबाइल फ़ोन नंबर या IMEI, जब तक ये पकड़ा नहीं गया था इसका कोई भी इस तरीके का टेक्निकल आइडेंटिफायर टीम के पास नहीं था। काला जथेड़ी पुलिस को चकमा दे सके, इसीलिए इसके गैंग के सदस्यों ने इसके देश छोड़कर भागने की खबर फैला रखी थी। अपनी पहचान छुपाने के लिए ये दाढ़ी बढ़ाकर पगड़ी भी पहनने लगा था। इतना ही नहीं, काला जथेड़ी और अनुराधा ने पति पत्नी के रूप में अपने फर्जी पहचान पत्र बनवा रखे थे। इसने अपने साथियों के साथ बातचीत करने के लिए सख्त कायदे कानून बना रखे थे, जिससे उनके छिपने के ठिकाने के बारे में किसी को कानों कान खबर ना हो सके। ये दोनों लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य अपने छिपने के ठिकाने को बदल रहे थे, जिससे पुलिस को इनकी भनक ना लग सके। इनके गैंग, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा गैंग है, और आपको भी पता है कि पिछले साल सवा साल में दिल्ली पुलिस ने, स्पेशली स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने इसके गैंग को बिल्कुल लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। जितने मेजर क्रिमिनल्स इस गैंग के थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो अब समझ में आ रहा है वो ये है कि इस गैंग की ही एक साजिश थी कि किसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट का अटेंशन इसके ऊपर से डाइवर्ट किया जाए, और उस साजिश के चलते हुए इन लोगों ने ये कहानी एक तरीके से मार्केट में छोड़ी कि काला जो है इंडिया से बाहर चला गया। अपराध के मामले में काला जथेड़ी की राजदार अनुराधा चौधरी उर्फ रिवॉल्वर रानी भी कम नहीं है। अपहरण, जबरन उगाही, धोखाधड़ी जैसे तमाम अपराध इसके नाम पर दर्ज है। इसके ऊपर 12 से भी ज्यादा आपराधिक मामले राजस्थान में दर्ज है। इसे पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। काला जथेड़ी के साथ आने से पहले ये राजस्थान के नामी गैंगस्टर आनंद पाल से जुड़ी हुई थी, जो 2017 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। आनंद पाल का जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद से ये फरार चल रही थी, और अनुराधा कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई, बिकॉज आनंद पाल और लॉरेंस बिश्नोई दोनों राजस्थान में काफ़ी क्राइम कर चुके हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू और भी काफ़ी लंबी चेन है, एक लंबी चेन है जिसमें जुड़ते जुड़ते अनुराधा काला जथेड़ी के संपर्क में आई। 2020 में हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भागने के बाद काला जथेड़ी रिवॉल्वर रानी के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़ गया था। इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड थाईलैंड, कनाडा और ब्रिटेन में बैठकर भारत में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, उगाही और अवैध हथियारों की तस्करी और जमीन कब्जाने जैसे अपराधों को अंजाम देने में लगे थे। शूटर्स इस गैंग के पास बहुत सारे हैं, जैसे आपको पता है इसमें लॉरेंस बिश्नोई है जो पंजाब और हरियाणा देखता है, इसमें सूबे गुर्जर है हरियाणा का, आनंद पाल जिसकी अनुराधा के साथ एसोसिएशन था, तो आनंद पाल का भी राजस्थान के एक बड़े एरिया में एक टाइम पे वर्चस्व हुआ करता था। तो ये सारों का जो क्रिमिनल अलायंस है, प्लस इनके पास जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, गोल्डी बरार है, काली राणा है, तो सब मिला करके हम लोग का अपना एस्टिमेशन ये रहा है कि 100 से 150 शूटर्स इनके पास, इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क के पास कभी भी रहते। काला जथेड़ी का पकड़ा जाना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। दहशत का पर्याय बन चुका ये अपराधी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। पूछताछ में इसके और कारनामों के कच्चे चिट्ठे खुलेंगे, ये लाजमी है। दिल्ली पुलिस राजधानी को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए लगातार जुटी हुई है। काला जथेड़ी का पकड़ा जाना उसकी बानगी भर है। अपराधियों को ये बात समझ में आ गई है कि वो चाहे कितने ही शातिर क्यों ना हो, दिल्ली पुलिस उनका नामो निशान दिल्ली से मिटाकर ही दम लेगी। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं, ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें।
अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। रोहिणी जिला पुलिस ने शातिर अपराधी प्रशांत को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी जहांगीरपुरी क्षेत्र में हुई एक शख्स की हत्या के मामले में जेल में बंद था और हाल ही में पैरोल पर बाहर आया था। पैरोल की अवधि पूरे होने के बाद ये दोबारा जेल नहीं गया। इस बीच इसने अपने साथियों के साथ मिलकर भलसवा डेयरी इलाके में हथियारों की डकैती और जघन्य अपराध की कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि पैरोल जंप कर बाहर घूम रहा एक अपराधी अपने किसी साथी से मिलने रोहिणी के सेक्टर 3 में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने जघन्य अपराध के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने दो शातिर लुटेरे शेर बहादुर और राकेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अलीपुर क्षेत्र में एक लोडेड ट्रक को लूट लिया था और ड्राइवर का अपहरण कर मौके से फरार हो गए। बाद में इन्होंने ड्राइवर की हत्या कर उसकी लाश खेरा कला में गाड़ दी। इसी के मद्देनजर दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल्स की जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी बीच पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस से मिली जानकारी के आधार पर वजीरपुर में इनके ठिकाने पर छापा मारा और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने लूटा गया ट्रक जब्त करते हुए आरोपियों की निशानदेही पर ड्राइवर का शव भी बरामद कर लिया है। ऑटो में बैठकर छीना झपटी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 3 झपटमारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बेरोजगार होने के साथ साथ नशे के आदी हैं। अपनी इसी लत को पूरा करने और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ये चोरी, लूटपाट और झपटमारी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। ये उन लोगों को अपना शिकार बनाते थे जो इनका ऑटो किराए पर लिया करते थे। कालकाजी डिपो के नजदीक पिकेट लगाकर चेकिंग करने के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध ऑटो को रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके ड्राइवर ऑटो को लेकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के 10 मोबाइल फोन, 2 बटनदार चाकू और एक ऑटो बरामद करते हुए चोरी, लूटपाट और झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 3 वांछित अपराधी राजबीर, अभिषेक और ललित को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की द्वारका के सेक्टर 7 में अपने पड़ोसी से मामूली कहासुनी हो गई थी। इसके बाद इन्होंने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। छानबीन के दौरान पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों के छिपने के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी शराब और गांजे के आदी हैं और अपनी इसी लत के चलते लूटपाट की वारदात को अंजाम देने में लगे हुए थे। लूटपाट के जरिए इनका मकसद जल्द से जल्द पैसा कमा, ऐशो आराम की जिंदगी जीना था। गश्त के दौरान ओखला फेज 1 स्थित रेलवे लाइन के नजदीक पुलिस को 3 युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा किया और तीनों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 देसी कट्टे, 8 जिंदा कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत के चलते लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी और लूटपाट के मामले में जेल की हवा भी खा चुके हैं और हाल ही में जेल से बाहर आए थे। द्वारका स्थित घरों और ऑफिसेज में एक के बाद एक हुई लूटपाट की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का लैपटॉप, दो मोबाइल फोन, एक DVR, एक सोने की चेन और 1,10,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने दो झपटमार विमल और इरशाद को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी झपटमारी और लूटपाट की कई वारदातों में शामिल रहे हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो झपटमार सागरपुर इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराए गए 9 मोबाइल फोन बरामद करते हुए चोरी और छीना झपटी के 8 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने दो शराब तस्कर राहुल और विजय कुमार को गिरफ्तार किया है। राहुल और विजय दोनों ही हरियाणा से सस्ती शराब लाकर दिल्ली में ऊंचे दामों में सप्लाई करने के धंधे में लगे हुए थे। कालिंदी कुंज इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम ने राहुल को उस वक्त धर दबोचा जब वो अपनी मोटरसाइकिल पर शराब से भरे बैग को सप्लाई करने के लिए वहां से जा रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से 170 अवैध शराब के पौवे समेत शराब सप्लाई में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। साथ ही इसी तरीके से जैतपुर इलाके में पेट्रोलिंग टीम ने विजय को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो बाइक के जरिए शराब सप्लाई के लिए मीठापुर चौक की तरफ जा रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से 250 पौवे अवैध शराब बरामद करते हुए बाइक को भी जब्त कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी रंजीत रॉय को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि साल 2020 में रंजीत रॉय पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद उस महिला ने कोर्ट में एफिडेविट देकर आरोपी से शादी कर ली। शादी के बाद से ही दोनों में आए दिन झगड़े होते थे, जिससे तंग आकर महिला अपने मायके जाकर रहने लगी। मायके से भी रंजीत को उसकी सास कई बार ताने मार चुकी थी। इससे गुस्साए रंजीत ने अपनी बीवी की हत्या करने की योजना बनाई। योजना के तहत वो अपनी पत्नी को मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर नैनीताल ले गया, जहां उसने रास्ते में मौका पाकर पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसे एक पुलिया से नीचे गहरी खाई में फेंक दिया। लड़की के परिवार वालों की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और तफ्तीश कर आरोपी रंजीत को ट्रैक कर गाजियाबाद के कवि नगर से धर दबोचा। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने कुख्यात ऑटो लिफ्टर सनी को गिरफ्तार किया है। रॉबरी, सेंधमारी और चोरी के 7 मामले सनी पर दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। DDA पार्क पीतमपुरा क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने संदिग्ध अवस्था में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को घूमते हुए देखा था। शक के आधार पर पुलिस टीम ने उसे रोककर जांच पड़ताल की तो बाइक सवार की पहचान सनी के रूप में हुई और इससे मिली बाइक सुभाष प्लेस इलाके से चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए इसकी निशानदेही पर 2 और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शख्स मोहम्मद आसिम को गिरफ्तार किया है। आसिम पर हत्या, रॉबरी, स्नैचिंग सहित आर्म्स एक्ट के 7 मामले पहले से ही दर्ज हैं। जामिया के जोगापुरी एक्सटेंशन इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस ने रैश ड्राइविंग करने वाले एक शख्स को रुकने का इशारा किया। रुकने के बजाय वो शख्स बाइक की स्पीड तेज कर भागने लगा। इससे पहले कि वो फरार हो पाता, पुलिस ने पीछा करते हुए उसे धर दबोचा। पकड़े जाने पर इसकी पहचान मोहम्मद आसिम के रूप में हुई और जिप नेट पर जांच पड़ताल करने पर बाइक जामिया नगर क्षेत्र से चुराई हुई निकली। इस आधार पर
पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए बाइक भी जब्त कर ली है। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने एक झपटमार अक्षय शर्मा को गिरफ्तार किया है। मुखर्जी नगर के हडसन लेन पर बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने देखा कि एक स्कूटी सवार बड़ी तेजी से चेक पोस्ट की तरफ आ रहा है, लेकिन पुलिस को देखकर वो स्कूटी घुमाकर भागने की कोशिश करने लगा। इस पर पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान अक्षय के रूप में हुई और इससे मिली बाइक चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की बाइक सहित लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक के बाद एक रॉबरी और स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम देने वाले तीन आरोपी अमन, जुबैर और अंकित को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी अपनी नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए रॉबरी और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अमन और जुबैर चोरी की बाइक पर सवार होकर ओखला फेज वन में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। साथ ही इनकी निशानदेही पर रॉबरी और स्नैचिंग में शामिल इनके साथी अमन को भी ओखला के तेहखंड गांव में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की तीन मोटरसाइकिल, स्कूटी सहित तीन मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टर नरेंद्र उर्फ अंडा को गिरफ्तार किया है। नरेंद्र दोपहिया वाहनों को चुराने में एक्सपर्ट है और काफी समय से वारदातों को अंजाम देने में लगा था। हाल ही में नरेंद्र अपने साथी के साथ मिलकर टीकरी खुर्द इलाके में स्थित रेडियो स्टेशन टावर में आयरन पार्ट्स चुराने के लिए घुस गया था, जिसकी सूचना वहां के स्टाफ ने पीसीआर के जरिए पुलिस को दे दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर नरेंद्र को चोरी करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया, लेकिन इसका साथ ही मौके से फरार हो गया। पुलिस ने नरेंद्र के कब्जे से 9 आयरन रॉड सहित चोरी की 4 बाइक भी बरामद कर ली है। उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस ने हाशिम बाबा गैंग के शार्प शूटर फैजान को गिरफ्तार किया है। फैजान इस गैंग का सक्रिय सदस्य है और गैंग के लिए आपराधिक गतिविधियों के साथ साथ हथियारों की व्यवस्था करने का काम संभालता है। हाल ही में फैजान ने अपने साथी के साथ मिलकर वेलकम इलाके में एक व्यापारी को लूटने के मकसद से गोली मारी और फरार हो गया। तभी से पुलिस को इसकी बड़ी सरगर्मी से तलाश थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि व्यापारी को गोली मारकर फरार चल रहा फैजान यमुना विहार स्थित बस डिपो के पास चोरी की बाइक पर सवार होकर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक और स्कूटी भी जब्त कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। नजफगढ़ इलाके में लोहे का सामान और एक मोटरसाइकिल चोरी हो जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर तीनों आरोपियों का पता लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराया गया 300 किलोग्राम लोहे का सामान और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मामा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।